ओ भाई, लग रहा है कि पूरा एकदम से आसमान में ही पहुंच गए हम लोग। दोस्तों वैसे तो मैं भी पहली बार ही यहाँ अमरकंटक आया हुआ हूँ और इतनी चढ़ाई कर ली है, इतने ऊपर आ गए हैं हम लोग कि लग रहा था कि एकदम से हम लोग एकदम मतलब आसमान में ही पहुंच गए हैं। और दोस्तों ये है मेरे टूर का शुरुआत। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमरकंटक का पूरा रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता कहने के मतलब नीचे से ऊपर पूरे पहाड़ तक का चढ़ाई आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें मैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद में अमरकंटक का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको पार्ट टू करके डालूंगा। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ रास्ते का मजा लेने के लिए मैं रास्ते का ही बस पूरा वीडियो बनाया हूं और रास्ते का ही पूरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और साथ साथ में आप लोगों को मैं जानकारी भी देते जाऊंगा। और वीडियो को थोड़ा सा कहीं कहीं पे फास्ट कर दिया हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया था। मेरे को पूरा ऊपर तक पहुँचने में लगभग 50 मिनट लग गया था। तो दोस्तों मैं स्कॉर्पियो में हूँ, मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ और वीडियो मेरे बगल में मेरा भाई बना रहा है मेरे ही फ़ोन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैवलिंग को। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों ऊपर चढ़ाई में। मैं अपने गाड़ी को ले आ चुका हूँ और देख सकते हैं आप लोग को नज़ारा देख के लग रहा होगा कि एकदम से हम लोग एकदम आसमान में ही पहुँच गए हैं। नीचे से भी एक व्यू लिया था मैं, जिसको मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो नीचे से पूरे पहाड़ के व्यू को भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि नीचे से कितना बड़ा दिख रहा था ये अमरकंटक का पहाड़। अमरकंटक दोस्तों अनूपपुर जिले में एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है और थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में भी पड़ता है। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, अंबिकापुर क्षेत्र से, और मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप लोग देख रहे हैं अमन जायसवाल ब्लॉग्स। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने जस्ट अभी ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि काफ़ी अच्छा कंटेंट बना के मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ ताकि आप लोग एंटरटेन हो सकें। तो जिसमें मैं आज पहली बार काफ़ी दूर आया हूँ ब्लॉगिंग के साथ में, और ये है दोस्तों पहाड़। ये पहाड़ है जो आप लोग अभी नीचे से देख रहे हैं। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका था और वो पहाड़ था जहाँ पे हम लोग को पूरा ऊपर तक चढ़ाई करना है। तो दोस्तों हम लोग अभी ऑन द वे हैं, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ऊपर तक चढ़ाई हम लोग कर चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी ऊपर का बचा हुआ है। तो वीडियो में एंजॉय करिए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये रास्ता जो है अमरकंटक की चढ़ाई का, पहाड़ की चढ़ाई का, कैसा लगा। अगर आप लोग ट्रैवलिंग लवर होंगे, अगर आप लोग को ट्रैवलिंग पसंद होगा, अगर आप लोग को भी मेरे जैसा ट्रैवलिंग से प्यार होगा तो आप लोग को पक्का बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, और नज़ारा देख के तो आप लोग को मज़ा आ ही रहा होगा। बताइएगा जरूर कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा अमरकंटक का नज़ारा। तो चलिए चल
You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eye. You whip up my appetite. Don't leave me alone. जो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है उधर नहीं, हम लोग गाड़ी चला के चला करके आए हैं, रोड वोड कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन उतना ऊंचाई दोस्तों हम लोग अभी चढ़ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है एकदम बादल में ही सट गया है पूरा, हम लोग ऐसा लग रहा है बादल में चढ़ाई कर ली है। इसी गाड़ी से आए हैं दोस्तों, स्कॉर्पियो है, और इतनी ऊंचाई हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं और अभी भी काफी ऊंचा पहाड़ बचा हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं आगे और अगले वीडियो में।